नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थूरिया। भारत में कोरोना का कहर जारी है। अब वरिष्ठ पत्रकार और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के प्रबंधक संपादक सुनील जैन का शनिवार को कोरोना से निधन हो गया। उनकी बहन संध्या जैन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। आपको बता दें, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सुनील जैन को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। सुनील जैन की बहन संध्या जैन ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमने आज शाम अपने भाई सुनील जैन को कोरोना के चलते खो दिया। एम्स के डॉक्टरों कर्मचारियों ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन कोरोना रूपी राक्षस बहुत शक्तिशाली निकला। संध्या जैन ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि ईश्वर उनकी आगे की यात्रा का मार्गदर्शन करें। इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े होने वाले सभी लोगों के प्रति आभार। आपको बता दें, संपादक सुनील जैन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले गए। सुनील जैन, मैं आपके शानदार कॉलम और अलग अलग मामलों पर स्पष्ट और व्यावहारिक विचार की कमी को महसूस करूंगा। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि सुनील जैन के निधन से पत्रकारिता जगत को एक बड़ा नुकसान हुआ है। आपके परिजनों और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदना। ओम शांति। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सुनील जैन के निधन पर गहरा दुख जताया। आपको बता दें, 3 मई को एम्स में भर्ती होने के बाद सुनील जैन ने आखिरी बार ट्वीट किया था। उन्होंने 3 मई को अपने आखिरी ट्वीट में खराब स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए लिखा था कि वो एम्स में भर्ती हो चुके हैं। मदद के लिए आप सभी का धन्यवाद। सुनील जैन ने अपने ट्वीट में लिखा था, मैं ये नहीं जानता कि किस किस ने मेरी मदद की है, लेकिन सबका शुक्रिया अदा करना है। अभी एम्स इमरजेंसी में हूँ, इसलिए मैं अब सुरक्षित हाथों में हूँ। लेकिन शनिवार 15 मई को उनका निधन हो गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।